हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राजीव, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एलोपेशिया एरेटा के बारे में। बताएंगे आपको एलोपेशिया एरेटा क्या है, यह जो है कितने प्रकार का होता है, एलोपेशिया एरेटा हो जाने पर हमें क्या लक्षण दिखाई देंगे और इसका जो है होम्योपैथ में जो है क्या समाधान है, इन सारी चीज़ों का चर्चा जो हम आज के वीडियो में करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं एलोपेशिया एरेटा। दोस्तों, एलोपेशिया एरेटा ये जो है दो चीजों से मिलकर बना है। एलोपेशिया, एलोपेशिया मतलब होता है शरीर के किसी भी अंग से जो है बाल का गिरना, और एरेटा, एरेटा का मतलब होता है कि जब जो है यह बाल हमारे शरीर के किसी भाग से क्वाइन शेप में गोल गोल रिंग के आकार में जब झड़ना शुरू हो जाते हैं, गिरना शुरू हो जाते हैं, उसको जो हम एरेटा बोलते हैं। दोस्तों, यह जो है बाल जो है हमारे सर से भी जो गिर सकते हैं, हमारे दाढ़ी के भी बाल गिर सकते हैं, शरीर के जननांगों से भी गिर सकते हैं, और अन्य जगहों पे जहाँ बाल है वो जो है गिरना जो है चालू रख सकते हैं। तो दोस्तों, इस संपूर्ण फॉलिंग को ही जो है हम एलोपेशिया एरेटा करते हैं, और एलोपेशिया एरेटा में जो होता है हमारे बाल जो है क्वाइन शेप में सिक्के के आकार में जो है एक जगह से जो है गिरना शुरू हो जाता है। दोस्तों, एलोपेशिया एरेटा जो है एक ऐसी स्थिति है जिसमें जो है हमारे बाल जो है शरीर के कुछ हिस्से से या शरीर के पूरे हिस्से से जो है गिर जाते हैं, खास करके हमारे स्काल्प रीजन से, हमारे खोपड़ी से जो है बाल ज़्यादा गिरते हैं, और यह बाल बिल्कुल क्वाइन शेप में गोल आकार में जो है गिरना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, इसके वजह से जो है धीरे धीरे देखा जाता है कि उस हिस्से से जो है हमारे बाल जो है गायब हो जाते हैं, उड़ जाते हैं, और वहाँ के बाल जो है पतले भी हो जाते हैं, और इसका कोई खास कारण भी जो है नज़र नहीं आता है। बाल जो नए उगते हैं वो धीरे धीरे टूट जाते हैं, और उस स्थान पर जो है बहुत थोड़े जो है समय के लिए बाल वहाँ दिखाई देते हैं। दोस्तों, अब आता है कि क्या कारण है एलोपेशिया एरेटा के। दोस्तों, एलोपेशिया एरेटा जो है एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होने की वजह से इसमें जो है हमारी WBC हमारे शरीर के सेल टिश्यूज़ में फ़र्क नहीं कर पाते हैं, और वो उनको ही जो है समाप्त करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से एलोपेशिया एरेटा की समस्या जो है देखी गई। इसके अलावा दोस्तों, कुछ अन्य कारण है एलोपेशिया एरेटा की जिसकी चर्चा जो हम यहाँ करेंगे। दोस्तों, पहला कारण है हारमोन्स। हारमोन्स भी एलोपेशिया एरेटा की एक महत्वपूर्ण कारण है। इसमें जो है यह देखा जाता है कि एंड्रोजन हारमोन्स की जो है असामान्यता जो है एलोपेशिया एरेटा होने के जो है कारण में सर्वप्रथम आती है। दोस्तों, यह हार्मोन्स महिला पुरुष दोनों में जो है यह समस्या पैदा कर सकता है, और इसके कारण जो है एलोपेशिया एरेटा की जो है दिक्कत देखी गई है। इसके अलावा दोस्तों, जीन्स, अगर हमारे जो है जीन्स में ये समस्या है, हमारे माता पिता को यह समस्या रही है, तो जो है हमें भी होने की संभावना जो है ज़्यादा रहती है। इसके अलावा हम बहुत ज़्यादा तनाव में गुजर रहे हैं, टेंशन में रहते हैं, तो ये समस्या हमको जो है हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों, काफ़ी लंबे समय तक हम बीमार रहे हैं, हमको टाइफाइड रहा है या कोई अन्य डिजीज़ रही है, उसके बाद भी इस तरह की समस्याएँ जो है देखने को मिली है। महिलाएँ जिन्होंने किसी बेबी को जन्म दिया है, बच्चे को जन्म दिया है, उसके बाद भी जो है महिलाओं में एलोपेशिया की समस्या जो है देखी गई है। इसके अलावा अगर आपको फंगल इन्फेक्शन हो गया है, तो दोस्तों ये समस्या आपको हो सकती है। फंगल इन्फेक्शन में जो है बाल एक जगह से झड़ना शुरू हो जाते हैं, गोल गोल चत्ते के आकार के वहाँ से जो उड़ना शुरू हो जाते हैं, तो फंगस भी एक कारण होता है एलोपेशिया एरेटा के। इसके अलावा अगर आपको कैंसर हुआ है, आपको कीमोथेरेपी चल रही है, तो भी आपके जो है बाल जो है गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं, तो कीमोथेरेपी भी एक कारण है जो है एलोपेशिया के। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको खून पतला करने की जो है दवा चल रही है, ब्लड प्रेशर नियंत्रित करने के लिए जो है उपयोग में आने वाली जो है
बीटा जो है एड्रेजेनिक ब्लॉकर्स दवा चल रही है तो भी आपकी जो है हेयर फॉलिंग हो सकती है, आपको एलोपेशिया की समस्या हो सकती है। इसके अलावा महिलाएं बच्चा पैदा ना हो उसके लिए जो है बर्थ कंट्रोल पिल्स खाती हैं तो उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से हेयर फॉलिंग हो सकती है, एलोपेशिया की समस्या हो सकती है। अगर किसी वजह से आप जल गए हैं, आपको चोट लग गया है तो भी जो है चोट वाले स्थान से जले हुए स्थान से जो है बालों को गिरना जो है देखा गया है। इसके दोस्तों ऑटो इम्यून डिसऑर्डर एक महत्वपूर्ण कारण है एलोपेशिया इरिटा के। इसके अलावा दोस्तों अगर जो है आप कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का यूज़ कर रहे हैं जैसे जो है गलत तरीके का शैम्पू, इसके अलावा जो है आप ब्लीचिंग कराते हैं, बाल सुखाने के लिए ड्रायर का उपयोग ज़्यादा करते हैं, बाल को बराबर कलर करते हैं तो भी आपको एलोपेशिया हेयर फॉलिंग की समस्या जो है हो सकती है। इसके अलावा कुछ मेडिकल कंडीशन है जिसमें जो है थायराइड रोग, शुगर और शरीर में आयरन की कमी जो है एक हेयर फॉलिंग का जो है कारण बन सकती है। दोस्तों बालों का जो है झड़ना जो है अगर आपके आहार में प्रोटीन जो है कम है, प्रोटीन रिच डाइट कम लेते हैं तो भी आपको जो है हेयर फॉलिंग की समस्या हो सकती है। तो दोस्तों अब चर्चा करेंगे कि जो है यह कितने प्रकार का होता है। दोस्तों एलोपेशिया इरिटा जो है जनरली जो है 6 प्रकार के होते हैं। इसमें जो पहला प्रकार है वो है डिफ्यूज़ एलोपेशिया। डिफ्यूज़ एलोपेशिया दोस्तों इसमें जो है पूरे सर से जो है हमारे जो है स्काल्प रीजन से जो है बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। दूसरा दोस्तों इसमें जो है प्रकार है मोनोल्यूपियर जो है एलोपेशिया। मोनोल्यूपियर एलोपेशिया में इसमें जो है देखा जाता है कि केवल एक जगह से एक स्पॉट से जो है हेयर फॉलिंग जो है शुरू होती है, वहाँ क्वाइन शेप का आकार बन जाता है, सिक्के का आकार का बन जाता है, उसको जो है हम मोनो जो है न्यूक्लियर एलोपेशिया बोलते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसका जो अगला प्रकार है वो मल्टी लोक्युलर जो है एलोपेशिया। मल्टी लोक्युलर एलोपेशिया में जो है कई जगहों से जो है बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं और जगह जगह जो है चक्के के आकार के, गोल क्वाइन आकार के कई जो है वहाँ जो है शेप बन जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो अगला प्रकार है एलोपेशिया बार्बर। एलोपेशिया बार्बर जो है खास करके हमारे चिन रीजन, दाढ़ी रीजन में समस्या होती है और हमारे जो है दाढ़ी से जो है हेयर फॉलिंग शुरू हो जाती है, वहाँ गोल गोल रिंग शेप का बन जाता है और वहाँ से बाल जो है गायब हो जाते हैं, इसको दोस्तों एलोपेशिया बार्बर कहते हैं। अगला दोस्तों जिसमें प्रकार है एलोपेशिया टोटलिस। एलोपेशिया टोटलिस में इसमें जो है पूरे सर से जो है हमारे जो है बाल जो है गिर जाते हैं, इसको जो हम एलोपेशिया टोटलिस बोलते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसका जो अगला प्रकार है वो है एलोपेशिया यूनिवर्सल। एलोपेशिया यूनिवर्सल में यह देखा गया है कि हमारे पूरे शरीर से जो है बाल झड़ जाते हैं, सर से भी बाल झड़ जाते हैं, सीने के बाल झड़ जाते हैं, हमारे प्यूबिक रीजन के भी बाल झड़ जाते हैं, तो पूरे शरीर से जो है बाल, आईब्रो से बाल गायब हो जाते हैं। तो एलोपेशिया टोटलिस में हमारे पूरे बॉडी के बाल जो है धीरे धीरे झड़ जाते हैं। तो दोस्तों ये 6 प्रकार जो है एलोपेशिया के जो है देखे गए हैं। अब दोस्तों चर्चा करेंगे कि एलोपेशिया की कौन कौन सी होम्योपैथिक दवाएं हैं जिनका उपयोग करके हम जो है इस समस्या से निजात पा सकते हैं और अपनी बीमारी को जो है ठीक करते हैं। दोस्तों होम्योपैथिक दवाएँ एलोपेशिया में बहुत अच्छा वर्क करती हैं। अगर इसका हम 4 से 6 महीने तक रेगुलर यूज़ करें तो ये समस्या हमारी ठीक हो जाती है, हमारे बाल नए उगाते हैं और हम पहले जैसे स्वस्थ और सुंदर जो है दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन जो एलोपेशिया में वर्क करती है। दोस्तों पहली दवा है एसिड फ्लोर। एसिड फ्लोर जो है एलोपेशिया की, एलोपेशिया इरिटा की बहुत अच्छी दवा है। दोस्तों जब शरीर के किसी भाग से जो है बाल झड़ना शुरू हो जाए और ख़ास करके हमारे जो है हेड रीजन से और वहाँ गोल गोल जो है रिंग जो है के आकार का जो है शेप बन जाए, सिक्के का आकार का बन जाए, तो उसमें एसिड फ्लोर बहुत अच्छा वर्क करता है। एलोपेशिया के लक्षण के साथ जो है ऐसे मरीजों में जो है बहुत ज़्यादा उनको गुस्सा आता है, उनका स्वभाव जो है काफ़ी चिड़चिड़ा रहता है जो है, और इनकी जो है समस्याएं जो है गर्म चीज़ों से जो है बढ़ती हैं और ठंडी चीज़ों से, अगर कोई ठंडा लेप या ठंडा पानी को यूज़ करते हैं तो उनकी समस्याओं में आराम मिलता है। अगर इस तरह के लक्षण दिखाई देते हों तो एसिड फ्लोर बहुत अच्छी दवा है। एसिड फ्लोर 30 पावर हम लेकर के हम 5-5 वो सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम रेगुलर जो है 4 से 6 महीने तक यूज़ करें तो धीरे धीरे बाल हमारे उगाते हैं। अगली दवा दोस्तों जिसमें आती है फास्फोरस। फास्फोरस भी एलोपेशिया की बहुत अच्छी दवा है।
और इसको हम 1000 पावर में उपयोग करते हैं। 1 ml में लेकर के सप्ताह में एक बार 5 बूंद लगातार 4 से 6 महीने तो यूज़ करें तो एलोपेशिया में जो है हमको आराम मिलता है और हमारे बाल दोबारा उगाते हैं। दोस्तों इसमें जो है सिक्के के आकार का जो है बाल हमारे जो है सर से उग जाता है और सर के बाल में काफ़ी अंदर जो है खुजली महसूस होती है, सर में रुशी रहती है, बाल हमारे जो है सूखे और मुरझाए रहते हैं और खास करके फ्रंटल इलाके से आगे के हिस्से से हमारे जो है बाल ज़्यादा झड़ते हैं। फास्फोरस का मरीज अकेला रहना पसंद जो है नहीं करता है और उसको अकेले रहने से डर लगता है, वह लोगों के बीच में रहना पसंद करता है। तो अगर ऐसे लक्षण दिखाई देते हों, मरीज दुबला पतला हो, लंबा हो, तो फास्फोरस जो है लेकर के 1000 पावर में सप्ताह में एक बार 5 बूंद उसको लगातार 4 से 6 महीने तक उपयोग कराएं तो जो है बाल दोबारा आ जाते हैं और एलोपेशिया समस्या से निजात मिल जाता है। अगली दवा दोस्तों इसमें आती है नेट्रम्यूर। नेट्रम्यूर बहुत अच्छी दवा है एलोपेशिया की। नेट्रम्यूर 30 पावर लेकर के 5-5 बूंद सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम उपयोग करें तो यहाँ जो है बाल आ जाते हैं। नेट्रम्यूर के मरीज जो है एनीमिक होते हैं, दुबले पतले होते हैं, उनको कब्ज की समस्या बनी रहती है, चेहरा मुरझाया सा रहता है। तो अगर इस तरह का मरीज़ है और उसको एलोपेशिया की समस्या है तो नेट्रम्यूर 30 पावर लेकर के 5-5 दिन सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम रेगुलर कुछ दिनों तक उपयोग करें तो बाल जो है दोबारा आ जाते हैं। अगली दवा दोस्तों जिसमें आती है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम भी एलोपेशिया बहुत अच्छी दवा है। लाइकोपोडियम 200 पावर में लेकर एक बार सप्ताह में 5 बूंद अगर दिया जाए तो जो है बाल दोबारा आ जाते हैं। लाइकोपोडियम का मरीज को पेट में गैस बहुत ज़्यादा बनता है और नीचे से डिस्चार्ज होने पर उसको जो है काफ़ी राहत मिलती है। लाइकोपोडियम की मरीजों की समस्या जो है शाम को 4 से 8 के बीच में बढ़ जाती है, बाल जो है उनके जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं। जो है ऐसे मरीजों को जो है समस्या जो है गर्म चीज़ों से जो है बढ़ जाती है और ठंडे चीज़ों से आराम मिलता है। इसके अलावा सर में बराबर खुजली मचती है। तो इस तरह के सिम्टम दिखाई देते हैं तो लाइकोपोडियम 200 पावर में लेकर एक बार 5 बूंद सप्ताह में दिया जाए और कुछ दिन तो लगातार इसका सेवन कराया जाए तो जो है बाल दोबारा आ जाते हैं और एलोपेशिया की समस्या से जो है मुक्ति मिल जाती है। अगली दवा दोस्तों इसमें आती है शैलिशिया। शैलिशिया भी एलोपेशिया एरेटा की बहुत अच्छी दवा है। खास करके जो है नए लोगों में अगर एलोपेशिया की समस्या हो रही है, सर के आगे के हिस्से के बाल जो है गिर जा रहे हैं, बाल बहुत जल्दी सफ़ेद हो जा रहे हैं, मरीज चिली नेचर का है, हाथ उसके जो है हाथ के तलवे बराबर जो है ठंडे रहते हों और हाथ में बहुत ज़्यादा पसीना होता हो, अगर इस तरह के लक्षण दिखाई देते हों तो सैलिसिया 30 पावर में लेकर के 5-5 बूंद सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम रेगुलर जो है कुछ दिन तो उपयोग किया जाए तो धीरे धीरे जो है बाल आ जाते हैं, एलोपेशिया समस्या से जो है मुक्ति मिल जाती है। अगली दवा दोस्तों इसमें आती है एसिड फॉस। एसिड फॉस जो है एलोपेशिया की बहुत अच्छी दवा है। अगर जो है मरीज काफ़ी दुखी हो और दुख और शोक के कारण उसके जो है बाल झड़ जा रहे हों, बाल बहुत जल्दी सफ़ेद हो जाते हों, बाल जो है झड़ने की वजह से जो है बाल काफ़ी पतले हो गए हों, हल्के हो गए हों और मरीज बहुत ज़्यादा कमज़ोरी अंदर से महसूस कर रहा हो तो हम एसिड फॉस का उपयोग करते हैं। एसिड फॉस 30 पावर लेकर के 5-5 बूंद सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम रेगुलर जो है 3 से 4 महीने तक उपयोग करें तो अगर दुख और शोक के वजह से, टेंशन की वजह से हमारे जो है बाल झड़ना शुरू हो गए हैं, एलोपेशिया समस्या शुरू हो गई है तो उसमें जो है निजात मिल जाती है। तो दोस्तों ये हो गई आज की बात जो है एलोपेशिया एरेटा के बारे में। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल बटन भी ज़रूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम ऐसे नॉलेजेबल वीडियो बनाएं इसकी सूचना अतिशीघ्र आप तक पहुँच सके, आपको रोग के बारे में, होम्योपैथिक दवाओं के बारे में जानने को मिले। दोस्तों इसी के साथ जो है हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय होम्यो।